नमस्कार, मैं रचना शर्मा, जर्दी गलाड एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा संसद समारोह के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी ने कल ट्वीट करके स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी और कहा था कि वह 12 जनवरी को यानी आज कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय युवा संसद समारोह के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है और इसी के साथ 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मंगलवार को ही देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला शुरू हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट से देश के 13 स्थानों पर ये वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है। इनमें दिल्ली, गुजरात जैसे राज्य भी शामिल है। दिल्ली में चल रहे किसान संघर्ष में हिस्सा लेने के बाद 2 दिन पहले लौटे महिमा गांव के श्रृंगार सिंह के बेटे ग्रंथी सिंह ने कल रात 12 भौर के बंदूक से खुद को गोली मार ली। ग्रंथी सिंह द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि पर काले कानूनों और इन कानूनों को वापस लेने में केंद्र सरकार के अड़ियल व्यवहार को जिम्मेदार ठहराया है। अमदौर के पास एक गांव का एक किसान जो कि पिछले 10 दिनों से दिल्ली आंदोलन में डटा हुआ था, उसकी मौत की दुखदायी खबर सामने आई है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेताओं और परिवार के सदस्यों ने बताया कि गांव सुवाई के बलवीर सिंह का 26 वर्षीय पुत्र लवप्रीत सिंह कल दिल्ली आंदोलन में शामिल होने के बाद घर लौट आया था, इसी बीच उसकी अचानक मौत हो गयी। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेताओं ने सरकार से परिवार के लिए आर्थिक मदद की मांग की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का लुधियाना का दौरा रद्द हो गया है। उनकी जगह पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल लुधियाना जाएंगे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री भरत भूषण आशु भी मौजूद होंगे। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यापारियों से वार्ता करेंगे। फिलहाल दौरे को रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया। पश्चिम बंगाल की धरती पर पैदा हुए स्वामी विवेकानंद को लेकर इस बार राजनीतिक दलों में खास दिलचस्पी है। इस साल कुछ ही महीनों के बाद बंगाल का विधानसभा चुनाव होने वाला है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल खुद को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के वाहक के तौर पर पेश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि उनके विश्व बंधुत्व के सिद्धांत की देश में आज और ज्यादा जरूरत है। देश में अभी कोरोना के खिलाफ खतरा टला भी नहीं है कि अब बर्ड फ्लू ने तेजी से पैर पसारने शुरू कर दी हैं। एक एक करके देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू के पहुंचने के मामले सामने आ चुके हैं। अब दिल्ली और महाराष्ट्र भी बर्ड फ्लू वाले राज्यों में शामिल हो गए हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में पहले से ही बर्ड फ्लू पैर पसार चुका है। पीएम मोदी ने भी अब इस बीमारी को लेकर चिंता जताई है। देश में बर्ड फ्लू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश को नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर दिया है और इसी के साथ राज्य में जीवित पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए राज्य की सीमा में किसी भी तरह के जीवित पक्षी को नहीं लाया जा सकेगा। यह प्रतिबंध 24 जनवरी तक लागू रहेगा। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल वायरस से पॉजिटिव पाई गई हैं। साइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने के लिए थाईलैंड में हैं, जहां अब उन्हें अस्पताल में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यह साइना नेहवाल के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि 12 से 17 जनवरी के बीच यूनेक्स थाईलैंड अब ओपन खेला जाएगा, जिसके बाद 19 से 24 जनवरी के बीच टोरंटो थाईलैंड ओपन और 27 से 31 जनवरी के बीच BWF विश्व टूर फाइनल्स खेला जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक सोमवार को कर्नाटक के पास एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में उनकी पत्नी और एक सहकर्मी की मौत हो गई, जबकि श्रीपद नायक को गोवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक अभी उनकी हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। अस्पताल के मुताबिक श्रीपद नायक की सोमवार देर रात को ही कुछ सर्जरी भी की गई है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।